हेलो वेलकम एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अवसर पे जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत ही टैलेंटेड ऑथर जो हमारे साथ में है, अखिल बाहेती जी। उनके साथ मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज के इंटरव्यू में। अखिल जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज से हाय टू द ऑडियंस। हेलो एवरीवन, थैंक यू दीपक जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। ग्रेट। तो अखिल जी हमारे साथ आज बात करेंगे उनके किताब के बारे में, उनकी किताब की जो राइटिंग जर्नी थी उसके बारे में, उन्होंने उस जर्नी के दौरान क्या सीखा उसके बारे में, उनका ओवरऑल अनुभव कैसा रहा उसके बारे में बात करेंगे। हम उनसे बातें करेंगे, सवाल पूछेंगे उनसे, कई कई नई नई चीजें हम जानने की, समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे। अखिल जी वैसे है इचलकरंजी कोल्हापुर से, उनका खानदानी बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनके पिताजी के साथ वो करते हैं, उनके टेक्सटाइल के मिल्स है वहां पे इचलकरंजी में। लेकिन बाय पैशन अखिल भाईती जो है वो लाइफ कोच है, टाइम मैनेजमेंट कोच है, जो लोगों की जिंदगी बदलने में, उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको मदद करते हैं। आज तक 5,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, लोगों को दिशा दी है। पहले वो लायंस और लियो क्लब के माध्यम से समाज सेवा भी किया करते थे, बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव्स वो ले चुके हैं। उनको समाज के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मारवाड़ी युवा मंच के वो बहुत सक्रिय सदस्य है और इस कोरोना काल में जहां पे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है, फिर वो हेल्थ से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, फिनेंस से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, वहां पे मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से इन्होंने और इनके ग्रुप ने बड़ा योगदान दिया है। तो मैं स्वागत करूंगा अखिल जी आपके, आपको इस मंच पे बुलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। ये जो इंटरव्यू है वो हमारे बटरफ्लाई इफेक्ट का एक पार्ट है जहां पे हम अपने ऑथर्स के साथ बात करते हैं, उनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ अपना जो इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू है, उसको स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बेसिक सवाल, ये जो आपकी किताब है कृपया इसको दर्शकों को दिखाइए, वैसे स्क्रीन पे आपकी दिख रही है, और हमें बताइए इस पुस्तक के बारे में कि क्या है ये किताब, समय नहीं है, क्या है ये किताब? ये किताब जो समय नहीं है, ये ऐसे 100 सवालों का जवाब दे रही है जो हम हमेशा सोच करके लोगों को कहते रहते हैं मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ यहाँ बिजी हूँ, मैं यहाँ यहाँ व्यस्त हूँ। ये जो यहाँ यहाँ है, ये यहाँ यहाँ के 100 अलग अलग सवाल जो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने पूछे हैं, उन सभी को इकट्ठा करके आपके सामने इस पुस्तक के रूप में रख दिया है, ताकि आप किसी को ये ना कह सके मेरे पास समय नहीं है। इसलिए सबसे पहले ये किताब आपसे सवाल पूछती है, क्या आपके पास समय नहीं है? आप कहते हैं हाँ नहीं है, तब ये कहती है 100 रास्ते हम आपको दिखाते हैं समय निकालने के। और जिन जिन जनों ने इन किताब को पढ़ा है, वो किताब को लेने के बाद मुझे ये कहते हैं कि अब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसमें समय नहीं है ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये जवाब मुझे उनसे मिलता है। तो ये है वो किताब जो मैंने आपके द्वारा, दीपक जी के साथ, कैलाश जी के साथ इस किताब को रचा है, इस किताब को किताब का रूप दिया है। तो धन्यवाद आपको भी उतना ही जितना आप मुझे आज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस सर, थैंक यू। इस किताब के माध्यम से आपने मेनली ऐसा क्या करने की कोशिश की है कि सामने वाले की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए? देखिए दीपक जी, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन जाऊं तो शायद मैं सेल्फिश बन जाऊंगा। मैंने जब इस किताब को लिखने के बारे में सोचा, तब मैंने सामने वाले इंसान के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, मैंने अपने बारे में सोचा, क्योंकि ऐसे सवाल जो रिपीट हो रहे थे, जो बार बार पूछे जा रहे थे, मुझे समझ में आया कि अगर मैं उन्हीं सवालों का बार बार वही जवाब दूंगा तो शायद मैं मेरे 100% जवाब 100% लोगों तक ना पहुंचा पाऊं। तो जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे थे वो रोजमर्रा के सवाल थे,
जो हर इंसान महसूस कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा सेल्फिश बन गया कि क्यों ना इन सवालों को जो हर इंसान के मन में है, वो हर जगह पर जाकर के दरकरार दे रहा है कि कोई इसका जवाब दीजिए, उसे सॉल्व किया जाए और मुझे भी उन्हें बार बार ना बताना पड़े, इसलिए थोड़ा सा सेल्फिश बन करके मैंने उन सभी सवालों के मेरे जवाबों को एक पुस्तक का रूप दे करके एक गाइड बना दिया आपने, मॉडल आंसर। जी 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 तो वो इस तरह से मैंने इसे बनाने की कोशिश की। ग्रेट ग्रेट। सो सर, ये किताब लिखने का आइडिया पहली बार कब आया आपके दिमाग में? देखिए, किताब लिखने का आइडिया मेरा नहीं था। अच्छा। मैं कह सकता हूँ कि मुझे फोर्स किया गया था मोरली। अच्छा, किसने फोर्स किया आपको? जो मेरे कोच है मुरली सुंदरम सर, जब से मैंने उनकी कोचिंग ली, उन्होंने डे वन पे मुझे कह दिया कि विद इन अ ईयर आपको एक बुक लिखनी होगी। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, वो तो उनका रोज का काम होगा कहने का, वो कह देते होंगे, लोग सुन लेते होंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन 6 महीने हमारी कोचिंग के पूरे हुए और सर ने सामने से कहा, अखिल, इट्स टाइम टू राइट अ बुक। मैंने कहा, सर, वेर यू रियली सीरियस अबाउट इट? तो उन्होंने कहा, यस, यू शुड राइट अ बुक नाउ। मैंने कहा, सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बुक लिखने के लिए। और फिर वहां से जो जर्नी शुरू हुई, ही ओनली शोड मी द वे कि क्या है तुम्हारे पास, क्या किया तुमने इन 6 महीनों में टाइम मैनेजमेंट में। तो मैंने कहा कि मैंने क्लासेस ली, मैंने क्वेश्चन आंसर सेशंस किए, मैंने वहां पर जवाब दिए। बोले, कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए? मैंने कहा, सर, मैंने इकट्ठा तो किए, लेकिन आई थिंक अराउंड 45-50 क्वेश्चंस मेरे पास हैं। बोले, और कितने सेशंस आपके आने वाले दिनों में प्लान है? मैंने कहा, एवरी वीक एवरी सैटरडे मेरा क्वेश्चन आंसर होता है। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गेट इन अ सेशन? मैंने कहा, 15-20 क्वेश्चन होते हैं। सो यू हैव 4 सेशंस? मैंने कहा, या। सो यू हैव 80 मोर क्वेश्चंस कमिंग अहेड? मैंने कहा, यस। सो 80 एंड 50 कलेक्टेड, कैन यू राइट अ बुक विथ 100 क्वेश्चंस? अब दीपक जी, आप बताइए, जब सामने से कोच ऐसा पूछेंगे तो हम मना कर सकते हैं क्या? और उनके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा भी है, आपको yes. ना बोलने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैंने कहा कि यस, आई कैन राइट। तो उन्होंने कहा, गो अहेड एंड राइट। तो ये थी मेरी बुक लिखने की जर्नी, जो इस तरह से शुरुआत हुई। अच्छा, बढ़िया। तो कितना समय लगा आपको ये किताब लिखने में? देखिए दीपक जी, जब हम क्वेश्चन ऑनलाइन पूछते हैं, जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जी। और वो बहुत ही सिंपल लगती है। जब मैंने मुरली सर को कह दिया कि हाँ सर, मैं लिख दूंगा, जब पहले क्वेश्चंस का आंसर लिखने बैठा, 4 लाइन में आंसर हो गया। अब इसका चैप्टर या उसको इसको स्ट्रेच करके करके कितना करूंगा? हाँ, फिर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या ये 4 लाइन के आंसर में हम उनके लाइफ को बदल सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, 4 लाइन में मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, उसके पीछे का थोड़ा सा सॉल्व करना, उसके आगे के इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा समझना, ये सब कुछ उसके साथ एड ऑन करने की जरूरत थी। और ये करना क्यों जरूरी है, ये करने के पीछे का लॉजिक क्या है, करने से क्या फायदे होंगे, ना करने के क्या नुकसान होंगे, ये सब आ जाएगा फिर उसमें। डेफिनेटली। और अगर हमने सिर्फ वो 4 लाइन बता दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पाठकों को हवा में छोड़ रहे हैं। उनको जवाब दे भी दिया, लेकिन पता नहीं हो जवाब से क्या करना है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वो पढ़ के। यस। तो वहां पर हमने एक्शन प्लान्स लिए कि आपको ये पढ़ने के बाद कौन कौन से एक्शन टिप्स के साथ शुरू करना है। आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर आपको अलग अलग पेजेस के अंदर एक्शन टिप्स मिलेंगे। आप देखिए, ये एक्शन टिप दिख रही है आपको, वर्क टाइम, 3 सवाल पूछे हैं, उन 3 को जवाब देने हैं, और उन जवाब को देने के बाद कैसे आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हर सवालों को एक पूर्ण रूप मिले, इम्प्लीमेंटेशन का रूप मिले, और वहां पर वापस उस सवाल के अंदर क्वेश्चन ना क्रिएट हो, इस तरह से उसे बना करके एक ऐसा रूप देने की कोशिश की है कि सिर्फ सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो आपका सवाल था कि कितना समय लगा इसे लिखने के लिए, तो मैं बता दूं, पूरी बुक लिखने की जो शुरुआत थी वो August 1st या 2nd week में शुरू हुई थी। एंड आई रिमेम्बर सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर मिड तक हमने इसे एडिटोरियल करके आपके पास दे दिया था। सो आई गेस अराउंड 60+12 more days, अराउंड 70-72 days हमने इस बुक को लिखने के लिए लिया, और आगे वाले 1 month में इस बुक को आपने, सो अराउंड 60-72 days के बीच में हमें टाइम पीरियड लगा इस बुक को एडिटोरियल में ले जा करके फाइनल करने की। अच्छा, तो
आपने अपने जो बुक को सिर्फ बुक ना रखते हुए उसको एक लाइफ लर्निंग वाला जर्नल या उसको एक वर्कबुक इस रूप में दिया है, जो कि एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। ग्रेट। जब आपने शुरू में जब अनाउंस किया अपने फैमिली में, दोस्तों में, अपने परिवार के अंदर कि आपने एक किताब लिखने के बारे में सोचा है या आपने लिखना चालू किया है, तो क्या रिएक्शन थी सबकी? बहुत ही शानदार रिएक्शन थी। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, बोल रहा है, क्योंकि इसके कोच ने कह दिया, क्योंकि मैं तो बहुत सारी नई नई चीजें कर रहा था। मेरी जर्नी जो एज ए टाइम मैनेजमेंट कोच जो मुरली सर ने शुरू करवाई थी, वो जनवरी से शुरू हुई थी। तो उन 5-6 महीनों में मैं बहुत सारी नई नई चीजें कर रहा था और सबको लग रहा था कि हाँ ये नई नई चीजें कर रहा है, उसमें से कोई एक होगी, कोई बुक लिखेगा 80-100 पेज की, ठीक है, इट्स ओके। और कहीं कहीं ये भी था कि क्या सच में बुक लिख रहा है यार, तूने सिर्फ कहा था कि सर ने कहा है बुक लिखना है, लेकिन क्या सच में बुक लिख रहा है? तो अरे बहुत तुमने तो सीरियसली ले लिया। हाँ, तो बहुत ही मिक्स बिहेवियर आ रहे थे। कुछ लोग थे कि हाँ ठीक है लिखेगा, ठीक है अभी भी नया नया जोश है, लिखना शुरू करेगा तब मालूम चलेगा, ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, कुछ कुछ लोग थे कि यार सच में लिख रहा है, दैट्स रियली एक्लेमेशन, और ऐसे रिव्यूज आ रहे थे। कुछ कुछ लोग बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरे सेशन अटेंड किए थे, उनको मालूम था कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो कुछ कुछ लोग थे कि जल्दी लिखिए, हमें पढ़नी है। कुछ लोग सामने से टॉपिक बता रहे थे कि सर क्या हम आपको टॉपिक सजेस्ट करें। सो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा मिक्स बिहेवियर चल रहा था जो मुझे पुश कर रहा था कि अब मैं कुछ करूं और इन सभी को उनका उनका जवाब दे दूं, हाँ सच में हो रही है, हाँ मैं 100 पेज की नहीं 200 पेज की लिख रहा हूँ। ये सभी चीजें मैंने उनके सामने रखना, और वो एक इनर मोटिवेशन मैं कह सकता हूँ जो मुझे मिला इन सभी की वजह से। मुझे मेरे कोच मुरली सर ने कहा था कि आपको फेसबुक पर ये जाहिर कर देना है कि आप बुक कब लॉन्च करेंगे। हाँ। और मैंने वो डेट लिखी थी 2nd week of December। अच्छा। मैं 2nd week of December 2020 को बुक लॉन्च करूंगा, एंड बुक वॉज लॉन्च ऑन 30th November 2020। वाओ, कमिटेड डेट के 4 दिन पहले। या क्या बात है, मस्त। सो सर, जब आपने बुक लिखी नहीं थी और अभी आप एक पब्लिश्ड ऑथर हो, आपकी बुक मार्केट में है, आप बेस्ट सेलिंग ऑथर भी हो, तो एक अखिल बहैती नाम की व्यक्ति जिनकी पहले भी कोचिंग चलती थी, आज भी कोचिंग चलती है, उनकी पहले भी कम्युनिटी थी, आज भी कम्युनिटी है, लेकिन पहले कुछ महीनों पहले बुक नहीं थी, आज बुक है, तो इनमें इन दोनों सिचुएशन में कुछ अंतर नजर आता है लोगों का, आपके आपकी तरफ देखने का जो नजरिया है, या आपको आपकी तरफ उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ अंतर आया है सर? सर लोगों के देखने में तो बहुत नजरिए में बहुत बड़ा फर्क आया है, लेकिन मैं बता दूं मेरे खुद के अंदर बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। और वो बड़ा फर्क मुझे महसूस हुआ जब मैं लोगों से बुक लिखने के बाद बात कर रहा था। अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि हम उससे आंसर देते वक्त 4 लाइन में आंसर दे देते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये बुक लिखने के बाद मुझे मालूम चला कि ये सिर्फ ऐसा करना चाहिए में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मेरे आंसर्स जो हैं उसके बाद थोड़े से और डेप्थ में चले गए कि ये करने के बाद यहाँ दिक्कत अगर आती है तो इसे इस तरह से सॉल्व करना है, और मैं वो क्यों करना है ये भी साथ में बताने लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेरे अंदर आया। और उसी के साथ साथ एक और बड़ी चीज जो मेरे अंदर, जो मेरे ट्रेनिंग्स में, मेरे सभी डिलीवरीज में चेंज हुई, वो ये हुई कि मैं एक स्ट्रीमलाइन, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगा। क्योंकि इस बुक को लिखते वक्त मैं बहुत ही वरीड क्वेश्चंस, मतलब आप सोचेंगे ना कि कोई क्वेश्चन सुबह के टाइम को लेकर के है, कोई क्वेश्चन दोपहर के टाइम को लेकर के है, कोई फैमिली टाइम को लेकर के है, मैं उन सबको एक साथ जब रखते देखने लगा तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं किस क्वेश्चन को कैसे पढ़ूंगा। और वही चीज मेरे सेशंस में मुझे लागू करने में बहुत आसानी हुई कि मैं जब कोई चीज को लागू कर रहा हूं तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप उनको एक एंड तक लेकर के जाऊं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आऊं। यस, तो ये वाला बदलाव मेरे अंदर भी आया। और ये बदलाव, जैसे कि मैंने कहा, बुक लिखने के पहले मैं 1000 से 1100 मेंबर्स, आप देख सकते हैं बुक के अंदर भी यही फिगर लिखा हुआ है जी, कि मैंने 1000 से 1100 मेंबर्स के जीवन में बदल किया है। और जैसे ही मैंने उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया और मुझे मालूम चल गया कि एक साथ सब कुछ नहीं बदला जा सकता, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बदलना शुरू कर दिया।
जो लोग मेरे पास आने लगे वो उस स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आने लगे कि कैसे डेलीगेशन करना है उसके लिए स्पेसिफिक लोग आने लगे, कैसे फैमिली टाइम स्पेंड करना है उसके लिए स्पेसिफिक लोग आने लगे, और आप देखेंगे मैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने लगा एंड आई रीच टू 5000 पीपल आफ्टर। तो आप देखेंगे 1000 बिफोर अ बुक एंड 4000 आफ्टर अ बुक। तो ये बहुत बड़ा चेंज मैं अपने आप के अंदर देख रहा हूँ, अपने कस्टमर्स के अंदर देख रहा हूँ, अपने फॉलोअर्स के अंदर देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोग जब बुक लिखते हैं तो ये मेनली इसके लिए लगते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे नॉलेज से या हमारे किसी कंट्रीब्यूशन से किसी की ना किसी की जिंदगी में बदलाव आए, वो भी पॉजिटिव बदलाव आए, किसी की जिंदगी में उसको फायदा हो, उसके लिए लिखते हैं। लेकिन किसी दूसरे को फायदा हो या ना हो, ये पूरी जर्नी के अंदर एक लेखक करके, एक ऑथर करके हम जरूर इवॉल्व हो जाते हैं एक अलग लेवल तक। हमारी एक लर्निंग या हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये इसका एक साइड इफेक्ट बोलो या इसका बेस्ट पार्ट बोलो, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी बदले या ना बदले, हमारी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आएंगे ही आएंगे। यस, ग्रेट। तो सर, क्या आप किसी किसी अपने किसी साथी को या अपने किसी मेंटी को या किसी अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को ये सजेस्ट करोगे कि ये आपको भी बुक लिखनी चाहिए? जी हाँ, मैं रिश्तेदार फ्रेंड सजेशन को क्यों, मैं जो मेरी एटीएम कम्युनिटी है, अखिल टाइम मैनेजमेंट की जो कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पर पूरे इंडिया से अलग अलग मेंबर जुड़े हुए हैं जो किसी न किसी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के किसी न किसी दुविधा में है, वो आते हैं, जुड़ते हैं, हम उन्हें एक कम्युनिटी में पार्ट बना लेते हैं। मैंने उस कम्युनिटी में सुपर फास्ट ऑथर के कैलाश जी को बुलाया, और कैलाश जी को बुला करके उस कम्युनिटी में मैंने सबको कहा कि हमारे सबके पास एक्सपीरियंस है, आप कोई कोच हो तो ही आपको बुक लिखना है, जरूरी नहीं है, आपके एक्सपीरियंस, आपके लर्निंग्स, जो आपने अचीवमेंट किया है उनमें जो आपके लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स आप ही आने वाले जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, और उसका सिर्फ एक माध्यम है, वो है बुक। मेरे इस बुक में आपने देखा होगा जो मेरी प्रस्तावना है, मुझे अगर बुक लिखने के बारे में मुरली सर ने जरूर कहा होगा, लेकिन जब उन्होंने कहा और मैंने एक्सेप्ट किया तो उसके पीछे हमारे फैमिली का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो ये है कि हमने हमारे दादाजी की जीवनी लिखी थी। अच्छा। सप्त रंगों में से एक रंग। अच्छा। और वो जीवनी आज मैं सब याद है मुझे, एक महीने पहले किसी हमारे फैमिली मेंबर ने, जो हमारे पापा के कजिन है, उन्होंने कहा कि हमें एक पुराना किस्सा याद नहीं आ रहा था, हमने वो जीवनी खोली और उसमें पढ़ा तो याद आ गया कि हाँ उस वक्त ऐसे ऐसे हुआ था और ये सिचुएशंस चेंज हुई थी, तो मेमोरी रिफ्रेश हो गई उनकी। यस, जब वो जीवनी दादाजी लिख रहे थे और वो मैंने उनको फोर्स किया था कि आप लिखो, आप 75 एज के आगे चले गए हो, अब आप एक्चुअली बिजनेस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो, तो क्यों ना आपकी जीवन यात्रा को याद करके लिखा जाए। और मैंने उसे पूरा हिंदी टाइपिंग करके मैंने उसे पूरा कंप्यूटर में शिफ्ट किया था, तो वो मैंने उसे फोर्स किया था कि मैं आपके लिए करूंगा, आप इसे लिखो। और आज जब उसे वापस याद करके कोई कहता है कि वो हमारी यादा ताजा हो गई, तो वो जो मैंने उस वक्त मेहनत की थी वो काम आई, वो रंग लाई, और ये आगे हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे और जनरेशन में हमेशा याद रहने वाला है कि देखिए जो हमारे दादाजी थे, जो परदादाजी थे, वो किस तरह से जीवन बिताया करते थे। हम अपनी लीगेसी को बुक के माध्यम से पीछे छोड़ के जाएंगे। यस, और यही एक पॉइंट से मैंने मेरे कम्युनिटी में और सभी को ये कहा था कि आपको आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके हॉबीज को लेकर के बुक जरूर लिखनी चाहिए, फिर वो कोई भी रूप में हो, आपकी वो डिजिटल फॉर्मेट में क्यों ना, आप उसे प्रिंट कराएं जरूरी नहीं है, यू कैन मेक अ ई बुक, लेकिन उसे आप बनाएं, उसे एक बुक फॉर्मेट में रखें ताकि वो लंबे समय तक लोगों के साथ में रहे, लोगों के काम आए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जो आप बुक लिख रहे थे सर, जो भी आपका समय आपने अपना दिया बुक के लिए, उसके दौरान कुछ डिफिकल्टीज आई आपको? उसके दौरान तो डिफिकल्टीज आई ही नहीं आई दीपक जी, याद नहीं है, उसके बाद जरूर डिफिकल्टीज आई,
क्योंकि मेरे जो एटीएम कम्युनिटी के मेंबर्स थे वो बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं एक्टिव मेंबर्स थे और बहुत ही ऐसे चालाक मेंबर्स थे। ऐसी अच्छा बुक पब्लिश हुई उसके बाद में जैसा मेरा उनके साथ सेशन था, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, बोले सर आपने बुक लिखी, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने ये बुक लिखते वक्त कितना फैमिली टाइम आपने ये किया, मतलब फैमिली को टाइम नहीं दिया, आपके बिजनेस का टाइम आपने चुराया, आपने बच्चों का टाइम चुराया, आपने हमारे बीच का टाइम कोई चुराया क्या, हमें तो फील नहीं हुआ लेकिन आपने चुराया क्या। अच्छा तो इस तरह के सवाल मुझे पूछे गए, क्योंकि मैं एज ए टाइम मैनेजमेंट कोच अगर मैं वहां पर कोई चीज को एड ऑन करता हूँ, कोई नई चीज को इम्प्लीमेंट करने चाहता हूँ, तो मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, वो उसके वो पीछे का जानने में मकसद उनको था, ज्यादा इंटरेस्ट था। ज्यादा इंटरेस्ट था कि आपने कौन से टाइम से टाइम चुराया ताकि आप ये बुक लिख सके। तो ताकि ये सपना पूरा हो जाए आपका। हाँ, तो मैंने कहा देखिए मैंने कोई भी टाइम नहीं चुराया, आपको कहीं भी फील हुआ कि जो हमारा वीकली मीटिंग था मैं उसमें लेट आया, या मैंने कहा मैं जल्दी जा रहा हूँ मुझे बुक लिखनी है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपने कोई मैसेज डाला ग्रुप में कि ये क्वेश्चन है और उसका आपको जवाब नहीं मिला, क्या ऐसा कभी हुआ? बोले तो ऐसा भी नहीं हुआ, आपका विदिन 10 आवर्स 8 आवर्स आपका जवाब हमेशा हमें आता है और वो हमेशा आता रहा। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये भी कह देता हूँ कि मेरे बिजनेस में मैंने कोई इफेक्ट नहीं होने दिया, मेरे फैमिली में मैंने कोई इफेक्ट नहीं होने दिया। अब होता यह है कि जो होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, मैं अगर बुक के कोई काम में हूँ, कहीं कोई बात कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो वो अपने आप ही उस चीज को समझ लेते हैं और मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन अरे जो मेरा टाइम था वो मैंने उतना का उतना उन्हें देता रहा। प्लस फिर उन्हें पूछा कि कैसे आपने 200 पेज की बुक लिखी, जब आपने कहीं पर भी टाइम नहीं चुराया तो उसके लिए टाइम जनरेट कैसे किया? मैंने कहा ये आपका सवाल बहुत सही है और उसका जवाब सिर्फ ये है, मैंने हर दिन सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं ये सोचा, और वो 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए कैसे उन्हें फास्ट लिख सकूं मैंने उस पर काम किया और गूगल टाइपिंग का इस्तेमाल किया। अच्छा मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ, वॉक तो करना है, वॉक पे करते करते हेडफोन लगा दिया और एक क्वेश्चन को सोचा और उस क्वेश्चन को बोलते बोलते उसका आंसर बोलते बोलते मैं वॉक कर रहा। तो वॉइस टाइपिंग हो रही है कहीं ना कहीं। वॉइस टाइपिंग हो रही थी मोबाइल में, वो टाइप हो रहा था और उसको सेंड कर देता था और बाद में 5 मिनट का टाइम लगता कहाँ पर कॉमा देना है, कहाँ पर हमें इंटर मारना पंक्चुएशन है, एडजस्ट करने में। वो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए 5 मिनट का टाइम लगता था और इस तरह से मैं एक क्वेश्चन का आंसर करता था। पहले मैं पावर नैप लेता 15 मिनट का, वो 15 मिनट का पावर नैप मैंने इसमें डाइवर्ट कर दिया, मैं आंखें बंद करके बोलता रहता था, रेस्ट बॉडी को मिलता था, आंसर टाइप होता था। इस तरह से मैंने अपने कामों को वैसा का वैसा रखा, बस उस उन कामों में किस तरह से मैं इसे इम्प्लीमेंट कर सकूं, इनकॉर्पोरेट कर सकूं, ये आइडेंटिफाई किया और उसे इजी वे में, क्योंकि रोजाना 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, विद इन 30-35 डेज मैंने 100 क्वेश्चन के आंसर लिख दिए और उसके बाद जो काम था वो रीचेकिंग एडिटिंग सिर्फ उतना ही काम बचा। तो कहीं पर भी प्रेशर नहीं आया क्योंकि स्टेप्स में डिवाइड करके मैंने इस काम को पूरा कर लिया। एक वो कहावत है सर इंग्लिश की, आपने सुना होगा कि हाउ टू ईट एन एलिफेंट, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईट इट। तो इतनी बड़ी टास्क को कैसे करोगे, तो उसको कट करो छोटे छोटे पार्ट्स में और उसको डेली बेसिस पे कंप्लीट करते जाओ। बिफोर यू कुड रियलाइज तब तक तो आपका पूरा बड़ा वाला टास्क खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट। तो हमारे जो बडिंग ऑथर्स हैं या ऐसे ऑथर्स हैं जो अभी लिख रहे हैं या लिखना चालू किया है, उनकी जर्नी अभी चल रही है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स एंड टेक्निक्स या कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से क्या दोगे सर आप? तो उन सभी को मैं ये बता दूं कि मैं भी आप में से एक हूं, मैं भी अपनी सेकेंड बुक प्लान कर रहा हूं और अभी उसका 5th चैप्टर चल रहा है, फिफ्थ वाह चैप्टर इज इन वर्क, और उसके लिए मैंने इस बार कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है कि मैं ये बुक तब तक लॉन्च करूंगा। मैंने सिर्फ अपने आप को कमिटमेंट दी है कि every 2 to 3 days में मुझे उस चैप्टर के कंटेंट को एड ऑन करते रहना है। अगर मेरे पास 30 मिनट्स हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 30 मिनट्स में एक नया चैप्टर लिख लूंगा। अगर मेरे पास 15 ही मिनट है तो
तो मैं क्या करूंगा, किसी पुराने चैप्टर को पूरा पढ़ूंगा, जैसे मैं पूरा पढ़ूंगा मुझे वहां पर और अपडेट्स याद आएंगे कि इसमें ये भी एक पॉइंट एड ऑन हो सकता है, क्यों ना उसे एड ऑन किया जाए, वहां पे वैल्यू एड करोगे आप। यस, तो जितना हमारे पास अवेलेबल टाइम है उस अवेलेबल टाइम में उस बुक के लिए जो हो सकता है वो हमें करना है। तो आपके लिए जो आप लिख रहे हैं, आपको बहुत बार ऐसा होगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कितना उसको वैल्यू मिलेगा, कितना लोग उसे सराहना करेंगे या मेरे शब्दों पर गलतियां निकालेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बुक आप किसी के लिए नहीं लिख रहे, लेकिन जिसके लिए ये बुक लिख रहे हैं वो जब भी उसे पढ़ेगा वो अपनी लाइफ में वो बदलाव, वो चेंजेस अपने आप महसूस करेगा। अगर आप पहले से उस ऑडियंस को आपके ध्यान में रख रहे हैं तो मैं बता दूं, आप बुक लिखते वक्त अपने शब्दों को लेकर के बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे और वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आप क्या कीजिए, आप ये कहिए कि मुझे मालूम नहीं है इसे कौन पढ़ने वाला है, मेरा काम है मैं अपने शब्दों को इस पुस्तक को पुस्तक में जगह दे दूं और पुस्तक बना दूं। जी, हम बहुत बार ये सोच करके हमारी प्रोसेस स्लो हो जाती है कि मुझे नए नए कंसेप्ट लाने हैं, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसमें डालनी होगी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जितना नेचुरल आप रहोगे उतना नेचुरली आपके साथ लोग कनेक्ट करेंगे। और ये मैं इस बुक के साथ जान चुका हूं, क्योंकि अभी ये बुक लॉन्च होने के इतने दिनों बाद मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि इस बुक को एक बार शुरू कर देते हैं तो रुकने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने सुना ये बुक मैंने वॉइस टाइपिंग से बनाई है, तो नेचुरल और सिंपल। यस, मैं कहीं पर भी शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं जो मेरे अंदर है उसे बुक का रूप दे रहा हूं और वो लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि जो बाकी ऑथर्स हैं वो इसके लिए बहुत ध्यान देते हैं, कौन से शब्द लेना है, क्या शब्द का गलत मीनिंग हो रहा है, सही मीनिंग हो रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा, जो मुझे सही लगा मैं लिखता चला गया। अगर आप भी इसी प्रिंसिपल साथ आगे बढ़ेंगे तो बुक बहुत जल्दी पूरी होगी और नेचुरली पूरी होगी, जो आज के समय की रिक्वायरमेंट है। जी, तो आपने बातों बातों में अभी बता दिया कि आप एक दूसरे बुक के ऊपर भी काम कर रहे हो, जो कि मेरा नेक्स्ट सवाल है और रादर होने वाला था, आपने उसका आधा आंसर दिया, अभी उसको पूरा करिए प्लीज। कि मैं पूछने वाला था, आपकी एक बुक तो आ गई मार्केट में, लोगों ने उसको सराहा, उसको एक अच्छा प्यार मिला, अच्छा रिस्पांस मिला, अब आगे क्या, अब आप कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको हाथ में ले रहे हो, ये मेरा नेचुरल सवाल था, नेक्स्ट सवाल था, उसको आपने थोड़ा सा टच किया है, प्लीज थोड़ा एलाबोरेट करिए उसके ऊपर। जी दीपक जी, देखिए इसके बारे में अभी तक सिर्फ मेरी वाइफ को पता है और किसी को भी मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से उस पर काम करना चाहता हूँ। एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच मैं अपने आप को अलग अलग चैलेंजेस देता रहता हूँ, उसी का एक पार्ट है ये एक चैलेंज, कि क्या मैं ऑनगोइंग वर्क में जो चल रहा है उसे चलते हुए वर्क में क्या मैं एक हफ्ते में 3 आवर्स बुक के लिए दे सकता, और वो अपने आप के लिए मैंने चैलेंज दिया है और मैं उसे पूरा करते हुए जा रहा हूँ। और ऑनगोइंग वर्क को आप समझ सकते हैं कि किसी भी काम में बहुत ज्यादा फेरफार नहीं करना है, इसीलिए मैंने इसे कहीं पर भी पब्लिकली शेयर नहीं किया था। लेकिन जब आपने कहा कि आपको हमारे ऑथर्स को बताना है किस तरह से इसे करना है, तो मैंने कहा क्यों ना ये एक सही मौका होगा कि यहाँ पर मैं बता दूं, और इस बुक को मैं लेकर के आ रहा हूँ। अगेन आई एम प्लानिंग विथ अराउंड 150-180 पेजेस इन दिस बुक, और अभी राइट नाउ मैं इसे हिंदी में ही प्लान कर रहा हूँ, और जो कंटेंट मेरा बन रहा है वो मिक्स में बन रहा है, कुछ कंटेंट इंग्लिश में बन जाता है, कुछ हिंदी में बन जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे दोनों लैंग्वेज में एक साथ पब्लिश करें। अच्छा, सो राइट नाउ मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं इसे लिख रहा हूँ। और सब्जेक्ट क्या है सर, किस सब्जेक्ट में लिख रहे हो या सीक्रेट रखना चाहते हो? सो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक का सब्जेक्ट है व्यस्त रहो पर मस्त रहो। अच्छा, अस्त व्यस्त मत रहो। यस, अस्त व्यस्त मत रहो। तो मैं एक ऐसे कंसेप्ट को लेकर के आ रहा हूँ कि आप दिन भर बिजी हैं लेकिन खुश हैं, आपको पता नहीं है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है लेकिन आप खुश हैं,
मैं इस एक कंसेप्ट को लेकर के आना चाहता हूँ, इस एक कंसेप्ट पर बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड दिस बुक इज इन द प्रोसेस, बहुत जल्द ये हम सभी के सामने होगी। और जो जो कंसेप्ट है वो एक डायलॉग कंसेप्ट है, दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, एक बिजी भी है पर खुश है, एक बिजी है पर दुखी है, और हम इन दोनों के कन्वर्जेशन के बीच में एक ऐसा कंसेप्ट सबके सामने रखेंगे कि कैसे हमेशा बिजी भी रहो लेकिन खुश रहो। और यही एक चीज जो मैं अपने साथ बिता रहा हूँ, मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स कहते हैं दीपक जी, और ये सच है, वो मुझे आज के 3 महीने पहले पूछा करते थे अखिल टाइम है क्या, और मैं कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता था कि मैं किसी प्रोजेक्ट में हूँ, मैं किसी मीटिंग में रहूंगा, मैं किसी चीज में रहूंगा, तो वो मुझे ऐसा पूछ लेते थे कि अखिल टाइम है क्या। मैंने उन्हें एजुकेट किया कि आप मुझे ये सवाल मत पूछिए, आप मुझे ये कहिए अखिल ये करना है आज या कल, कब करोगे, आप ये सवाल पूछिए और मैं उस काम को कर दूंगा। और मैंने उनके अंदर वो बदलाव देखा, वो अब ये नहीं कहते अखिल टाइम है क्या, वो कहते हैं कि अखिल ये काम करना है, कब करना सही रहेगा। और ये वाला डिस्कशन मुझे सभी के अंदर लेकर के आना है, सभी फैमिलीज में लेकर आना है कि इसी तरह का डिसीजन होना चाहिए कि ये काम है चलो सोचते हैं कब करना है। हम बहुत बार कामों को अपने पास रख लेते हैं कि वो इंसान बिजी होगा, वो बहुत बिजी चल रहा है, और इस वजह से बहुत सारे काम उनके पूर्ण रूप तक नहीं पहुंच पाते। एक कंसेप्ट को लाने के लिए, व्यस्त रहो पर मस्त रहो, मस्त रहो, इस एक कंसेप्ट को लेकर के मैं आ रहा हूँ। ये तो एक बहुत सुंदर टाइटल भी हो सकता है सर। यस सर, मैंने इसकी शुरुआत टाइटल के हिसाब से ही की थी कि ये एक टाइटल ही रख करके दिमाग में चलना है और इसी टाइटल को पूर्ण रूप देना है कि कैसे हम हर जगह हर समय व्यस्त रह सकते हैं पर मस्त रह सकते हैं। क्या बात सर, आप एक खुद लाइफ कोच हो, आप खुद लोगों की जिंदगी बदलते हो, आप लोगों को अलग अलग टिप्स एंड टेक्निक्स देते हो कि ताकि उनकी जिंदगी आसान हो जाए, आप उनकी मेंटोरिंग करते हो, उनका हाथ पकड़ते हो और उनको सक्सेसफुल बनने में उनकी मदद करते हो, आप एक खुद एक कोच हो, क्या आपको लगता है कि हर किसी के जिंदगी में एक मेंटोर की जरूरत है? देखिए दीपक जी, अगर हम इसे हाँ कहेंगे कि हाँ हर एक के जिंदगी में मेंटोर की जरूरत है तो वो फोर्स हो जाएगा, और अगर हम ना कहेंगे कि जरूरत नहीं है तो लोग अपने आप को बदलते हुए नहीं देखेंगे। मुझे मुझे ये कहना है कि यस, हर एक की जिंदगी में मेंटोर की जरूरत है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक इंसान ही हो। हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा मेंटोर कौन है। हमारा मेंटोर हमारा एक्सपीरियंस हो सकता है, बस जरूरत है तो हमें उसे सही तरीके से हमारा मेंटोर बनने देने की उपासना करना, उसे हमारा मेंटर बनने देने की कोशिश करना। और अगर आप आपके किसी मेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जरूर जुड़े, लेकिन सबसे पहले आप ये चेक करें कि क्या मैं अपने आप के अंदर वो बदलाव ला सकता हूँ, क्या मैं अपना खुद का मेंटर खुद बन सकता हूँ, इसे एक बार चेक करें। और जब आपको मिले कि हाँ मैं बन सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ एरियाज हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दीपक जी दुख की बात है लेकिन मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा आपके साथ कि लाइफ कोच के नाम पर बहुत सारा पैसा ले लिया जाता है और बदलाव नहीं किया जाता जी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इस चीज को समझे कि जरूरत है मेंटोर की, लेकिन आपको स्पेसिफिक एरिया में जरूरत है। जैसे मैं कहूंगा आप बुक लिखना चाहते हैं, आपने आइडेंटिफाई किया, अब आपको मेंटर की जरूरत है, बुक कोच की जरूरत है, बुक मेंटर की जरूरत है। यस, आपको टाइम मैनेज करना है, आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको मेंटर की जरूरत है। अगर आप नॉर्मली हैं और आप कहते हैं कि चलो कोई मेंटर को ले लेता हूं जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप वहां पर सबसे पहले रुकें, खुद को अपना मेंटर बनाएं, आइडेंटिफाई करें कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पर मेंटर की जरूरत है, और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जाकर जो उस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करता है उसे उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अपना मेंटर बनाएं। अब मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे आपने बुक लिखी है, मुझे बुक लिखने के लिए कोच कीजिए,
मैं पैसा ले लूंगा, बता दूंगा हाँ मैं बुक लिख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कैसे बुक लिखना है क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन सर जो एक्सपीरियंस बुक कोच के पास है, एक बुक का नहीं 100 बुक्स का है, 1000 बुक्स का है, उनके पास से आपको सही एक्सपीरियंस मिलेगा, न कि एक टाइम मैनेजमेंट कोच के पास से मिलेगा। तो आपके सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूंगा कि यस मेंटर की जरूरत है, लेकिन कौन से एरिया में आपको चाहिए या आपको डिसाइड करना है। यस, एनोनिमसली आपके सामने एक लाइफ कोच आ गया है और आप कहते हैं कि मेरे मेंटर बन जाइए, वो तरीका गलत है। वहां पर आप नुकसान भी अपने आप को देखेंगे, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, और रिजल्ट्स मिनिमम मिलेंगे। एक ही कोच या एक ही मेंटर आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता, नहीं सिखा सकता। उसकी कुछ स्पेशलिटी है, उसका कुछ एक्सक्लूसिवनेस है, आप उसके लिए उसके पास जाइए। यस, और जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ हमेशा जुड़े हुए रहें। जैसे ही आपको महसूस हुआ कि हाँ ये स्पेशलिटी थी, मेरा ये रूटीन में आ गया है, ये आगे बढ़ रहा है, आप दूसरी स्पेशलिटी के साथ दूसरे मेंटर के पास जाइए, उसे सीखिए। वापस लगता है 2 साल बाद की जो टाइम मैनेजमेंट था या जो बुक कीपिंग था वो वापस शुरू करना चाहिए, वापस आ जाइए। नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल। तो आपको लगता है किसी के साथ अगर कोई बुक मेंटर होगा, बुक कोच होगा, तो क्या उसकी जर्नी आसान होगी बुक लिखने की? डेफिनेटली, जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्पेसिफिक अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने इस सेशन के बाद आपने सोच लिया है कि मुझे मेरे विचारों को, जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में बदल किया है, जो कुछ भी मैंने इन 30, 40, 50 सालों में अपने लाइफ में चेंजेस किए हैं, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, अगर ये फीलिंग भी आपके मन में आती है, तो आप बुक कोच के साथ जुड़े और वो आपको सही वे में डायरेक्ट करेंगे कि कैसे उन विचारों को एक सही तरीके से हमें एक बुक के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। थैंक यू। तो अखिल जी, एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछता हूं और इस बात को यहीं पे खत्म कर देते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने सुपरफास्ट ऑथर के साथ काम किया, आपकी बुक में हमें आपने आपका सहयोगी बनाया, हमें मौका दिया आपके साथ काम करने का, सुपरफास्ट ऑथर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर जो नाम है सुपरफास्ट ऑथर, ये बहुत ही सही सोच समझ करके रखा गया है, क्योंकि मुझे ये जर्नी याद है जब day 1 मैंने कैलाश जी से बात की थी और मैंने उन्हें कहा था कि हो सकता है एडिटिंग करने में, एडिटिंग होने में, सब कुछ होने में कितना भी टाइम लग जाए, आई डोंट नो, लेकिन इस तारीख को मेरी बुक लॉन्च होनी चाहिए। और मुझे याद है जो डेट उन्होंने मुझे कही थी कि इस तारीख को ये काम हो जाना चाहिए, मैं उसके 15 दिन लेट था। अच्छा। मैं उसके 15 दिन लेट था और वो लेट होने का कारण पैंडेमिक और पारिवारिक कारण थे, जिसकी वजह से एडिटिंग वगैरह हम टाइम पे नहीं कर पाए। और वो 15 दिन में लेट था और मुझे एक बार लगने लग गया था कि अब जिस तारीख को मैं सोच रहा हूँ उस तारीख को बुक लॉन्च नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, सुपरफास्ट ऑथर, उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट, उनकी अवेलेबिलिटी, प्लस वो आपको सिर्फ बुक ऑथर या बुक पब्लिश कराने का काम नहीं करते, वो आपको वो सारे टूल्स देते हैं जो एक ऑथर को चाहिए होता है। मैं जानता हूं कि मुझे 1 घंटे का पूरा सेशन लेकर के कैलाश जी ने ये सिखाया था कि सामने वाले इंसान को हम किस तरह से अलग अलग कलर्स में रख सकते हैं, क्या जरूरत है उनको ये करने की। लेकिन वो सिर्फ मेरे साथ बुक पब्लिश नहीं करना चाहते थे, और मुझे मालूम चला कि वो उनका इसके अंदर का पार्ट क्यों था, वो मुझे मालूम चला जब मैं अपनी बुक के लिए मार्केटिंग कर रहा था। तो तब उन्होंने नहीं बताया था कि ये आपके काम आने वाला है, इसलिए हम सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारी सर्विस है, ये हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है, इसे आप लीजिए। तो हमने कहा चलो नॉलेज अवेलेबल है, नॉलेज लेने में क्या खराबी है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ये अपने आप हुआ जब मैं इस बुक को लोगों के पास ले जा रहा था, उन्हें बता रहा था कि ये बुक मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ, अलग अलग व्यूज, अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे थे। इवन उस चीज का फायदा मुझे बुक लॉन्च के दिन भी हुआ, एक ऐसा सवाल मेरे सामने आ गया था जिसका जवाब मुझे कैसे देना है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मैंने उन्हें उस कलर में रखा, मैंने कहा अगर इस कलर को ये जवाब देना है, और मैंने उस तरह से उसे जवाब दिया और वो चुप हो गया। क्या बात है,
तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो आपको किस तरह से सभी आपके सभी कॉन्टेक्ट के पास आप कैसे पहुंच सकते हैं सर, आप मुझे बताइए। आप सभी कॉन्टेक्ट को आप पर्सनली अगर व्हाट्सएप मैसेज करते बैठेंगे तो 2-3 दिन मुझे लगता है 1 हफ्ता चला जाएगा और यू विल वेस्ट योर टाइम। लेकिन वो भी है, टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी और उसमें शायद गलतियां भी होगी, कोई छूट भी जाएगा, सब कुछ होगा उसमें। Yes. लेकिन सुपरफास्ट ऑथर ने हमें बताया एक क्लिक पर आपके मैसेजेस, आपका लॉन्च, आपका प्रमोशन कैसे आपके 2500, 3000, 3500, 5000 कॉन्टेक्ट तक पहुंच सके एक क्लिक पर। तो ये है सुपरफास्ट ऑथर का 7 जो एक बुक पब्लिश करते वक्त हमारे साथ होना चाहिए। थैंक यू सर। सो अखिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, फॉर थैंक यू वेरी मच फॉर वर्किंग विथ अस, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस, हमें मौका देने के लिए आपकी बुक करने का, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत मुझे बोलना चाहिए क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सच में काबिले तारीफ है और आप जो कर रहे हैं उसका ट्रू वैल्यू ये एक ऑथर समझ जाता है जब वो अपनी बुक पब्लिश करवाता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई है जो इसे देख रहा है और कंफ्यूज्ड है कि मैं किसके पास जाऊं, किसके पास जाकर के अपनी बुक को पब्लिश कराऊं, कहां पर मैं इस बुक के लिए आगे बढ़ूं, तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं एकदम सही जगह पर हैं। सुपर फास्ट ऑथर से कॉन्टेक्ट कीजिए और देखिए ये जो बुक आप मेरे साइड में देख रहे हैं आपका भी ऐसा बैकग्राउंड होगा और उस बैकग्राउंड में आपकी भी बुक होगी सुपर फास्ट तरीके से, इसीलिए उनका नाम है सुपर फास्ट ऑथर। थैंक यू अखिल जी, आप यही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। आपका चेहरा जो हंसता खिलखिलाता हुआ है ये हमें एक अलग लेवल की एनर्जी देता है, इसी हंसी को बरकरार रखिए। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बिजी टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से आज समय निकाला हमारे लिए, आज हमारे साथ जुड़े, हमसे बात की, हमें बहुत कुछ नई सीख दी। सो थैंक यू वेरी मच, आपको, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके सारी एक्टिविटीज को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लोगों की जिंदगियों में बदलाव करते रहिए, कीप चेंजिंग लाइव्स, कीप इंपैक्टिंग लाइव्स एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे विचारों को अनेक ऑथर तक पहुंचाने का एक प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो अखिल जी के साथ किसी और टॉपिक के ऊपर दिल खोल के बात करेंगे। थैंक यू अखिल जी। थैंक यू।